देख रहे हो ना कितना स्वेग से ये खा रहा है बंदा। इसे लग रहा है कि इसे देख मेरी बीवी खुश हो जाएगी। एक तो साला सुअर की लेंड जैसी शकल है, और अगर गलती से लड़की देख ले खैनी खाते हुए तो साला मंडप से ही भाग जाए लड़की। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरके सोखा पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन शादी कि इंडियन शादी में कैसे क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन शादी में क्या क्या बवाल होते हैं और उसमें क्या क्या कारनामे दुल्हा करते हैं और दुल्हन करती है। तो शादी में दो ही जगह सबसे ज्यादा भीड़ होती है, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को बता दूं, जयमाला में और खाना में। जयमाला में तो आप लोग देखते होंगे कि लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं, लेकिन कुछ ढीठ प्रकार की लड़कियां होती है जो एकदम शर्माने का उनके पास ढंग ही नहीं। किस तरह लड़की फूल फेंक के माला पहना रही है अपने दूल्हे का, ऐसा लग रहा है कि लड़की का शादी जबरदस्ती करवाया जा रहा है लड़के के साथ। लेकिन हमारे दूल्हा राजा भी कहां कब रहने वाले हैं, जब उन्होंने देखा कि जब लड़की को मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे लड़की क्यों पसंद आएगी। तुम तो हंसने की आदी हो। तो इन सब घटनाओं से तो ये तो पता चल जा रहा है कि ना लड़की को लड़का पसंद है ना लड़के को लड़की पसंद है। जयमाला के बाद फोटो खिंचाने की पारी आती, जो सबको चाहता और सबके मनपसंद चीज होती है। लड़का लड़की सब एक जगह बैठ के जयमाला कुर्सी मस्त टाइप से फोटो खिंचाते हैं। असली मजा तो तब आता है जब डीजे वाला बगल से ये गाना बजा दे। आप लोग तो समझ रहे हो कि ये गाना डीजे वाला ने बजाया है, लेकिन डीजे वाला नहीं बजाया है, लड़की का आशिक ने बजाया है। देख रहे हो ना दूल्हा किस तरह डीजे की ओर देख रहा है कि आखिर साला वो है कहाँ। इस गाने से सिर्फ दूल्हा बाबू को ही नहीं दिक्कत था, लड़की को भी देखिए कि कैसे मुंह। अब ये गाना सुन के लड़की के दिमाग में क्या ही घुस गया, उसके आशिक ने कौन सा ही गाना बजा दिया कि उसको पूरा रुला दिया। अब चलते हैं दूसरी जयमाला की तरफ, जिसमें हमको लगता है कि दूल्हे राजा को पहले से ही समझा दिया जाता है कि जिस तरह लड़की करे उसी तरह तुम्हें भी करना है और बाकी बात तुमको कुछ नहीं करना है। दुल्हन तो जयमाला पहना के दूल्हे राजा को पैर छूती है, यहाँ तक तो चलिए ठीक है कि ये दुल्हन का काम होता है जयमाला में कैसा करना चाहिए, लेकिन ये ये कौन करता है बे? ऐसा देख बेचारी दुल्हन भी शर्मा गई और बगल में जो आंटी है वो भी। इसने साला सब सत्यानाश कर दिया। एक बात तो है दोस्तों, जब लड़के के घर में शादी की बात लड़के की होती है तो लड़का सबसे पहले सोचता है कि मेरी एक साली हो जिसके साथ मैं कुछ मजे कर सकूं। साले ठरकी लड़के। और अगर गलती से बीबी से ज्यादा सुंदर साली निकल जाए तो फिर लड़के के क्या ही बोले भाई, फिर कहां रुकने वाले हैं, साला जयमाला में ही चालू हो जाते हैं। और तो और साली को भी देखिए कितना मजा आ रहा है साली को भी। लेकिन इन सब के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मजा लेता है तो लड़के के ठरकी दोस्तों, जो दारू पी के जहां तहां घुस जाते हैं। अरे जहां तहां तो छोड़िए, जहां पे लड़कियां डांस करती रहती है वहीं पे अक्सर जाते हैं और नशे का पूरा लुत्फ उठाते हैं, जैसे कि देख लीजिए इस बंदे को। की हरकत करते हैं शादी में तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका नाम जरूर लिखिएगा। एक दो ऐसे भी दूल्हे राजा होते हैं जो पूरा आदत से मजबूर होते हैं, उन्हें भाई कितना भी समझा लो कितना ही बता दो कुछ उनको कान में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कुछ भी बता दो कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भैया जो उसका आदत है सो वो करेगा। कुछ लड़के को खैनी की ऐसी आदत लगी हुई होती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो शादी में है या फिर घर में है या कोई दोस्त के साथ में है, भाई मौका मिला तो बना के डाल लो। देख रहे हो ना कितना स्वेग से ये खा रहा है बंदा, इसे लग रहा है कि इसे देख मेरी बीवी खुश हो जाएगी। एक तो साला सुअर की लेंड जैसी शकल है,
और अगर गलती से लड़की देख ले खैनी खाते हुए तो साला मंडप से ही भाग जाए लड़की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।